ये देख लो जी, कैंपिंग साइट हो गया जी हमारा टेंट बुक। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है। टेंट का होटल रूम ज्यादा यार, एकदम मस्त। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी इट इज 9:49 इन द मॉर्निंग और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शिमला के नजारे से, जो कि बिल्कुल हमारे होटल की खिड़की से है। एकदम खूबसूरत व्यू देख सकते हैं आप। खैर, कल आए थे हम शिमला और आज हमारा प्लान है शिमला में करने का कैंप। एकदम बढ़िया सी कैंपिंग करने वाले हैं हम। पहले तो हमें क्या कर रहे क्या चल रहा है? खैर, अभी करते हैं होटल से चेकआउट, बाइक करते हैं रेंट, बाइक पे जा रहे हैं हम। वो लोग कितनी दूर है यहाँ से? जगह का नाम नारकंडा है और वो 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी में नहीं, हम बाइक रेंट कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। होटल से करते हैं चेकआउट, जल्दी से सामान उठाओ, लेट्स गो। बाकी मजा आ रहा है सबको? सबका सामान पैक तेरे ही बाहर है। मेरा सामान बाहर है, तेरे भी पैक कर दिया यार। चलो जी, टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। चलो जी, चलो जी। मौसम बढ़िया यार। ये रही जी हमारी गाड़ी, पर तो सारा सामान रख दिया जी हमने, सारा सामान गाड़ी में। टेंट वगैरह निकाल दिया, ये हम घर से लेके आए थे टेंट और ये टूल, समझो जो भी चेयर जो भी। मौसम बढ़िया आज है ना, जबरदस्त मौसम है, ना उतनी गर्मी ना उतनी ठंड, मस्त। तो अभी डायरेक्ट आ गए जी हम बाइक रेंटल के पास, shivarental.com। ये दो हिमालयन लेगा? हाँ। नहीं यार, हिमालयन दो, ये महंगी हो जाएगी यार। और मेरे हिसाब से स्कूटी लेता है यार, मस्त रहेगी कसम से, है ना? स्कूटी सेफ भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। सर एवेंजर का कुछ डिस्काउंट कर दो सर। सर लास्ट वही प्राइस बोला सर, 900 कर दो, 900। सर मेरे पास सारा बुक है, उससे कम नहीं, मैंने आपको उसमें कम कर दिया है। वैसे सर 1000 rupees पर डे। हाँ गाइज, अभी हमने कर दी दो बाइक्स डन, एक तो एवेंजर और एक्टिवा स्कूटी। ये नहीं है, एंटॉर्क है, एक्टिवा भी है, ये वाली एक्टिवा, ये और एवेंजर डन कर दी हमने। सर उसका मन था हिमालयन लेने का, लेकिन बहुत महंगा पड़ रहा है और अवेलेबल भी नहीं है अभी। ये अभी किसने ले रखी है, बुक कर रखी है, तो अभी हमने एवेंजर ले ली। बढ़िया। हाँ क्या बात है शायद भाई, कितने एक्साइटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपकी शक्ल से लग नहीं रहा। टेंट इसी पे रखते हैं, एवेंजर पे। हाँ, अपने लिए आए, मेरा ये। पहले मैं बाइक चलाऊंगा, सरोज स्कूटी, फिर मैं स्कूटी चलाऊंगा, सरोज बाइक। रेडी गाइस? ठीक है। पीके भाई? पीके मैं हूँ। सरोज भाई आपका कहाँ है? मेरा ये। लगा ना? लगा। जरा कैसा लगता है, जरा लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एक नंबर। तू भी दिखा, ढीला है मगर। चलो जी चलते हैं, चलो शायद भाई। ओके, बिस्मिल्लाह। क्या बात है सर, निकल पड़े जी हम अवेंजर पे। क्या बात है, मजा आ रहा है यार। वो आगे निकल गए हमारे दो बंदे। बाइक पे ठंड लग रही है ना? हाँ बाइक पे तो ठंड लगेगी। ये बढ़िया मौसम है यार, ज्यादा ठंड भी नहीं है। ऐसा ही अगर होगा तो अच्छे से रह पाएंगे हम। तो ये आ गई जी हम मेन रोड पे। वो कहाँ से गए? यहाँ से। ये है ना बंदे वेट कर रहे हैं हमारा। ओके। चलो जी सरोज भाई, पहले पेट्रोल भराना है इसमें। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हम लेते हिमालयन एक और एवेंजर एक और स्कूटी थमा दिया, उसमें रोला जमता है, रोला। हम स्विच करेंगे ना, आधे रास्ते मैं चलाऊंगा भाई, आधे रास्ते तू चला आराम से। पहले पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपनी लोकेशन पे, जो कि है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हम कैंप करने वाले हैं। तो मजा आने वाला है गाइस। टेंट किसके पास है? टेंट बाइक के पीछे है ना, रस्सी से बांधा है हमने इसको। और शायद भाई मजा कैसा आ रहा है? एकदम बढ़िया। कैसा मजा आ रहा है शिमला के रोड्स पे बाइक राइडिंग का? क्या ही बोले हम आप, एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया। यस। और यहाँ से व्यू देखो यार, कितना ज़हर व्यू है। ये आगे जी हम पेट्रोल पंप, पेट्रोल भराते हैं। उतरो नीचे। फुल कराएगा ना? हाँ, फुल करा दिया। मेरा 5 लीटर है, 4.5। स्कूटी फुल कराइए। मेरा कितना है? इसमें डालते हैं 400 का डालते हैं। हो गया। चलो जी गाइस, भरा दिया जी हमने पेट्रोल, अब चलते हैं। बड़ा मजा आ रहा है चलाने में कसम से। घर देखो यहाँ के, लिटरली पहाड़ पे है सारे घर, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यार। ये देखो सदा।
तेरे किड धा 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 कुजुली बिन तेरे किड धा यार धूल कितनी यार तो वैसे हेलमेट भी याद आई है कांच ही नहीं है यार अपना गुलमर्ग लग रहा है कसम से गुलमर्ग का रोड लग रहा है ना जुकाम है यार खतरनाक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा व्यू दिखाते हैं व्यू दिखाना जरूरी है भाई साहब इतना घना जंगल शिमला का जंगल क्या बात है बढ़िया हम टॉप पे वैसे भी हाइट पे और यार शायद भाई क्या विचार है आपके शिकार का लग रहा है मुझे शिकार का हमारे एरिया में भी एक जगह ऐसी है शिकार का तो वो इतना घना नहीं है यार ऐसा ही है ऊपर से अगर टॉप पे जाएगा ना तो वो ऐसा ही दिखता है हाँ ये मस्त है ना बहुत घना इसमें होंगे जानवर भी है ना इसमें जंगली जानवर भी होंगे यार टेलीस्कोप जैसे अरे ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ना और यहाँ टेलीस्कोप लगे हैं अगर कोई जानवर दिखा ना ये जानवर स्पॉट करने के लिए टेलीस्कोप लगा दिया हम देख सकते हैं जानवर देख सकते हैं 100 रुपए ये लिखा हुआ बोर्ड यहाँ 100 रुपए जानवर देखने के लिए क्या लिखा हुआ है क्या दिखेगा दिखेगा क्या सर अरे पढ़ लो ना यहाँ गजब बेइज्जती है पढ़ लो ना और क्या काली माता टेम्पल ब्रिटिश टाइम वाटर रिजर्व ऐसा मुझे लगा ये जानवर वानवर ये दिखेगा इसमें जानवर है इसमें जानवर का नाम ही ना है कुत्ता बिल्ली कहीं नहीं है मुझे लगा हिरण विरण मत दिखेगा छोड़ो यार चलो चलो जी लेट्स कंटिन्यू आवर राइड चला गया भाई चला गया चला चला भाई कर बस मजे ऐश कर मैं आज हम स्कूटी पे सरोज भाई का मूड बड़ा खराब था स्कूटी को लेके और इसको बाइक थमा दी ऐश कर हम करते हैं बाइक का मूड भाई ये लीजिए हम स्कूटी चला लेते हैं ओ तेरी ये देख यॉक यॉक ये ना वो क्या बात है क्या वो ना यॉक यॉक सतीश की राइड मिलेगी ये किस लिए सर आगे फोटो फोटो मतलब ऊपर चढ़ के फोटो खींच सकते हैं कितने की फोटो सर 50 रुपीज पर पर्सन अपने कैमरे से लेना है 50 रुपीज फोटो ले लेते हैं भाई ये कितने चमका की मगर ये अरे इसका सर कितना मोटा है यार मेरे इतना सा इसका सर ही है सीन देखो इसके यार फोटो लेने का सोचा था लेकिन ये सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं हमारे पास कैश कुछ है नहीं पेटीएम वगैरह के पास है नहीं तो रहने दिया मुर्शिद कहाँ चल पड़ा मैं जुकाम यार खतरनाक वो लगा ना मास्क नहीं नारकंडा जाना है हमें 48 किलोमीटर यहाँ से क्या बात है सुनसान है यहाँ से कोई टाइगर वाइगर ना आ जाए भाई भाई क्या रोड है यहाँ से चल 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 भाई साहब क्या रोड है कतई जहर रोड है और ये पहुंच गए कैंपिंग साइड और ये है ना कैंपिंग साइड किसम से टेंट टेंट लगा के हाँ अभी यहीं कहीं पकड़ेंगे
Finally, guys, we are here. At Canvas Camping. Vanvas. जो भी है कनवास वनवास okay. हम टेंट घर से लेके आए थे, हमने सोचा टेंट वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब यहाँ वहीं से सारा कुछ इंतजाम रखा गया है एकदम मस्त अंदाज में, तो टेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। पहुंच गए हम, टाइम क्या टाइम बताओ? 3:22 इट इज 3:22 राइट नाउ। शिमला से कितने बजे निकले थे? 11:30 हम निकले थे शिमला से। रोड बहुत अच्छा था लेकिन बहुत लंबा था, कर्व्स थी बहुत हेक्टिक। लंबा नहीं था, डिस्टेंस कम थी लेकिन कर्व्स और हिल्स था। कर्व्स, हिल्स, चढ़ाइयां ऐसा वैसा, तो इसलिए टाइम लग गया। चलो जी बात करके देखते हैं क्या सीन रहता है उधर। ले आओ सामान, ले आओ यार, तो बाइक पर सही जगह रखते हैं। बाकी शायद भाई राइड में कितना मजा है आपको? बहुत ज्यादा, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी। ठंड थी रास्ते में। और वो अच्छा ये बताओ आपको कैसा लग रहा है इतनी कम उम्र में इतनी सारी जगहें देख ली आपने? इसका क्या ही बोले, इसका कोई जवाब ही नहीं है। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। क्या बताए, इतनी सारी जगहें देख ली हमने, मस्त। खैर चलो जी सामान लेते हैं हम नीचे। चलो जी, मेरा रिजल्ट भी आ चुका है यार। क्या रिजल्ट? रिजल्ट आया क्या? कितने मार्क्स है? वो स्कूल में है। अच्छा छुपा रहा है स्कूल में, कहाँ है? इंटरनेट पे छोड़ा है। पापा दिल्ली रिजल्ट? पापा कल जाएंगे, वो कॉल कर रहे थे अभी। अच्छा ओके, इसका एग्जाम था ना किस 7th क्लास का, तो 7th क्लास का रिजल्ट आया इसका। अभी 8th में आया तो 7th का रिजल्ट निकला है इसका। यहाँ जानवर वानवर भी होते होंगे ना, देखते हैं। चाहिए यार, शेर मिलना चाहिए। देखते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई यार। ये देख लो जी कैंपिंग साइट, क्या बात है। फिर बात करके आते हैं, ये देखो हो गया जी हमारा टेंट बुक, एंड गेस व्हाट, यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है भाई साहब। टोटल इतनी तगड़ी और स्पीड 70 Mbps भाई साहब, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हम पावर बैंक वगैरह चार्ज करके आए थे, हमें था आज रात को ऐसे गुजारा करना, लेकिन यहाँ लाइटें वाइटें सब है। चलो जी भाई साहब, क्या रूम है भाई, टेंट का होटल रूम ज्यादा है यार, एकदम मस्त। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूम, सामने पहली स्पीकर म्यूजिक वगैरह बजाने के लिए, और ये देख लो जी रूम, क्या बात है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स एकदम मस्त, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी एकदम तगड़ी। वॉशरूम दिखाता हूँ भाई साहब, क्या बात है, एकदम हाई फाई वॉशरूम यार, क्या बात है भाई। यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज, वाईफाई, उसके बाद वॉशरूम देखो क्या बात, उसके बाद मतलब लाइटिंग, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है यार, जो श्रीनगर में नहीं मिलेगी। बिल्कुल यार, ये देख लो जी, चार बंदे आराम से सो सकते हैं, दो यहाँ पे, तीन भी सो सकते हैं। हाँ मस्त यार, आराम से। और आपको कैसा लग रहा है शायद भाई? ओपी, बढ़िया, मजेदार। यस, अभी आप कुछ बनाओ यार, मस्त। भाई टेंट की जो चार्जेस है ना वो है 2000 per night, ठीक है। इससे पहले 2500 बोला था, फिर हमने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वगैरह की, तो 2000 में डन हो गया। तो हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वर्थ इट है। यस बिल्कुल बेटा, क्योंकि खूबसूरत नज़ारे सामने से और फुल फैसिलिटी, वाईफाई वगैरह, तो वर्थ इट है। अभी हम खाना पकाना स्टार्ट करेंगे मस्त, और खाएंगे और मारेंगे चिल, चिल मारेंगे। तो यहाँ पर हो गया जी काम चालू चाय बनाने का, मिस्टर सरोज भाई चाय बना रहे हैं। सर मजा होगा इसमें कि नहीं? बहुत ही ज्यादा मजा होगा। क्या बात, समोसे भी लाए, पकौड़े भी लाए। हाँ वो तो हम लाए थे साथ ही, ये ब्यूटेन वगैरह हम घर से लेके आए थे, तो ये भी काम आ गया। ये बाकी सामान, समोसे किसमें है? समोसे उधर, समोसे आपको नहीं, आप खा जाओगे सर, फिर हमें कुछ नहीं रहेगा, आप प्लीज उसको साइड कर लो। समोसे ढूंढ रहे हो? भाई समोसे लाए, इतने कितने होते? चार। तो हम कितने? चार। ये कितने? चार। हम कितने? चार। चार आपके, आपको कितना आएगा? एक। एक तो आप समझ गए, मुझे अपना ही समझ गए, मुझे अपना ही एक चाहिए भाई। आपके लिए जान है, आपकी पूरा खाइए। क्या बात, क्या बात सर, आप काम पर हैं, क्या मसला है? काम नहीं रहा, ये बहुत गर्म है, इसमें से गर्मी आ रही है। क्या बात है सर, बहुत सारा गर्म। ये देख लो जी सारा सामान लेके आए हैं हम, बढ़िया। हाय हाय हाय, क्या केचप, वाओ, क्या बात है, ताजे पकोड़े यार, मस्त, शिमला के ताजे पकोड़े, क्या बात है। ओके गाइस, अभी टाइम आ रहा है जी 8:59, और यहाँ से नजारा देखो गाइस, लिटरली
शांति है इधर इस जगह पर, एकदम मस्त। बाकी अमी भाई और सरोज भाई अंदर खाना पका रहे हैं, खाना नहीं फ्राइज बना रहे हैं, चिप्स और हम हेल्प कर रहे हैं भाई। अरे सर आप तो बस रील्स देखते रहते हो, अब क्या मैं यहाँ पर ये जल गई शुरू होते ही खत्म हो गए सर। अमी भाई आपके कुछ यार बस बढ़िया मजा आ रहा है जी, आप नजारे दिखाए यहाँ के बदगज, यहाँ से देखो एकदम सुनसान जंगल के बीचों बीच है हम। यहाँ से ये हमारा टेंट देख लो, बाकी वहाँ वो कुछ गेस्ट आए हैं और हमारी तरह ही कैंपिंग के लिए, तो वो भी रुके हैं यहाँ पे इस वाले टेंट में। ठंड बहुत है यार यहाँ, लेकिन मस्त जगह है यार, मस्त शांति है यहाँ पे, जबरदस्त मजा आ रहा है। सरोज भाई चिप्स कहाँ पहुँचे हमारे? मैंने उसको भेजा चम्मच लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास उठाने के लिए चम्मच। अब उनसे मांगा मैनेजर से। ये हो गए जी हमारे चिप्स तैयार, क्या बात है, इनके लिए हमने स्पेशल मसाला भी लाया था। ये तो मैगी मसाला यार। हाँ पता है। इसमें डालना होता है क्या बात है, फिर और थोड़ा डाल दो। ओ भाई 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 इतना नहीं, क्या हो गया तेरी वजह से मैं ये मसाला डाल दूं, मसाला हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। टेस्ट करता हूं पहले मैं यार, क्या बात है स्पेशल। बदले हीटिंग अरेंजमेंट पे यहां पे एकदम बढ़िया, क्योंकि ठंड है ना यहां, सो यस। एंड फाइनली गाइस यहां पर हमारी मैगी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह गाइस माशाल्लाह। सरोज भाई अपने प्यारे प्यारे हाथों से बना के लाए हैं, फॉर यू डार्लिंग। क्या बात है, घर में बहुत यार। अबे पकड़ पकड़ हाथ चल जाएगा मेरा। बिस्मिल्लाह नीचे बैठ, बिस्मिल्लाह। कैसा है बढ़िया? अल्लाह वाला बरकत, कड़क कड़क। क्या बात है, अरे बनाई क्या यार, मां कसम मस्त है यार, कड़क कड़क माल है भाई। सुबह इसको बाइक मिलेगा पता है, कल आपको बाइक चलाने को मिलेगी, सो बाइक मिलेगा इसको सवेरे सवेरे। तो गाइस मैगी वगैरह खा ली, अभी टाइम आ रहा है, टाइम क्या रहा है, 12:15 12:13 राइट नाउ। अभी तक मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, अभी अब सो जाता है, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि बाइक जल्दी वापस करनी है, 9:30 तक का टाइम दिया है उसने, अगर उससे लेट पहुंचे हम तो फिर वो दूसरे दिन का ले लेगा, दूसरे दिन का चार्ज लेगा वो, जो कि दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल उसको दिया हमने बाइक और स्कूटी का मिला के 1600 पर डे का, ठीक है। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया फॉर सो रीजन गिव इट अ लाइक, वी विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू गाइस, बाय बाय, लव यू गाइस। I would talk about his chair.